अंधेरे के साथ गद्दारी, तमराज किलविश के साथ गद्दारी, शक्तिमान को खत्म करने से पहले मैं तुझे खत्म करूंगा, क्योंकि तूने अंधेरे के साथ गद्दारी करने हिम्मत की है। हाँ हाँ, मैंने हिम्मत की, क्योंकि मुझे अंधेरे को खत्म करना है तमराज किलविश। तू क्या मिटाएगी अंधेरे को? अंधेरा कायम है और कायम रहेगा। नहीं बच पाएगी तू। अंधेरा कायम रहेगा हमेशा। हजारों सालों से मैं पाप करती आ रही थी शक्तिमान। शक्तिमान, तुमसे मिलने के बाद मैं सच का साथ देना चाहती थी। चले शक्तिमान, तुम दोबारा मुझे बचाने चले आए? तुम दोबारा क्यों सोचने लगी कि मैं तुम्हें ही बचाने आया हूं? तुम्हारी जगह और कोई भी होता तो भी मैं आता। संकट में फंसे प्राण को बचाना ही मेरा फर्ज है गीता, लेकिन यहां आने के पीछे मेरा एक और मकसद भी था। मकसद? कौन सा मकसद? मैं तिमेरा से अपने बचपन के बारे में पूछना चाहता था। हाँ, वो कह तो रही थी कि उसने बचपन में तुम्हें मारने की कोशिश की थी। हाँ, ऐसा ही कुछ कहा था उसने। असलियत तो मुझे भी नहीं मालूम। उसने तुम्हारा रूप बनाकर मेरे बचपन की कहानी का थोड़ा अंश कॉमिक्स के ऑफिस में भी दिया था। ओह, इसका मतलब शक्तिमान, तुम भी अपने बचपन के बारे में सब कुछ नहीं जानते।
बहुत कुछ नहीं जानता, बहुत कुछ नहीं जानता। लेकिन शक्तिमान, मेरे कॉमिक्स के लिए, तुम्हारे कहानी के लिए, मेरा तुम्हारे बचपन के बारे में सब कुछ जानना जरूरी है। मेरा भी जानना जरूरी है। असलियत को मैं भी जानना चाहता हूं गीता। जिस दिन मैं असलियत को जान जाऊंगा, तुम्हें भी बता दूंगा, ये मेरा वादा है। अब चले। गीता आ गई। शक्तिमान गीता दीदी को लेकर आ गया। ये मल है, हमें बोला था ना गीता जी आएगा। गीता तुम आ गई हो? हाँ। गीता, ओ गीता। अच्छा तो मैं चलता हूँ। नहीं शक्तिमान, जाते जाते ये तो बता दो कि तुमने गीता को अपनी बचपन की कहानी बताई है या नहीं, और अगर नहीं बताई है तो फिर ये कॉमिक्स छपेंगे कैसे? मेरे बचपन की ये शुरुआत जो तिमिरा ने गीता बनकर आप लोगों को सुनाई है, उसे आप फिलहाल भूल जाइए। अपनी कॉमिक्स की शुरुआत आप लोग वहां से कीजिए जहां महागुरु ने पंचभूतों से मुझे शक्तियां प्रदान की थी। ये बात और यहां से आगे की सारी कहानी गीता अच्छी तरह से जानती है। अपने बचपन की कहानी में गीता को बाद में सुना दूंगा, ये मैंने गीता से वादा किया है। थैंक यू। थैंक यू शक्तिमान। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। चलता हूं। मुझे स्वयं जब अपने बचपन के बारे में नहीं पता तो मैं उसे क्या बता सकता हूं? कैसी विडंबना से भरा जीवन है मेरा, मुझे अपना बचपन ही नहीं पता। पिछली बार मणि ने मुझे बताया था कि मेरे माता पिता ने मुझे बचाने के लिए दिव्य तलवार से बांधकर मुझे हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक दिया था। लगता है इंजन में आग लग गई है कौशल्या, ये हेलीकॉप्टर कभी भी फट सकता है। हा? कभी भी फट सकता है। हा? लेकिन क्या हम इसे नीचे नहीं उतार सकते? हमें बच्चे को बचाना चाहिए, हमें बच्चे को बचाना चाहिए। लेकिन कैसे? फिक्र मत करो, ये तलवार इसकी रक्षा करेगी। वक्त बहुत कम है, मुझे बच्चा दो। वक्त बहुत कम है कौशल्या, वक्त बहुत कम है। इस तलवार के सहारे इस बच्चे को मैं नीचे फेंकूंगा, ये तलवार इसे जरूर बचाएगी। नहीं, ये तलवार जरूर बचाएगी इसे कौशल्या, तुम फिक्र मत करो कौशल्या, जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। ये तलवार इसकी रक्षा करे, ये तलवार इसकी रक्षा करे। अलविदा। मुझे मणि से आगे की कहानी पूछनी चाहिए। मुझे आगे की कहानी मणि से पूछनी चाहिए। मुझे आगे की कहानी बताइए, उस हेलीकॉप्टर से गिरने के बाद मेरे साथ क्या हुआ, मेरी जान कैसे बच गई? कृपया मुझे बताइए मेरी जान कैसे बच गई, मेरे साथ क्या हुआ?
हेलीकॉप्टर में विस्फोट होने के बाद तुम्हारे पिता रंजीत सिंह और तुम्हारी माता कौशल्या देवी की मृत्यु हो चुकी थी और तुम उस दिव्य तलवार के साथ नीचे गिर रहे थे। परंतु नीचे वन में स्थित रक्षक की दृष्टि में आ चुका था वो शिशु। ये थे सूर्यांशी त्रिनेत्रेश्वर, जिन्हें उस शिशु की यानी तुम्हारी रक्षा के लिए वन में भेजा था महागुरु ने। उन्हें पहले से आशंका थी किसी ऐसी ही दुर्घटना की। सुंदर, अति सुंदर, इस धरा पर सूर्यांशी त्रिनेत्रेश्वर तुम्हारा स्वागत करता है वत्स। यदि ये दिव्य तलवार नहीं होती तो कदाचित दुष्कर होता तुम्हारे प्राणों को बचाना वत्स, परंतु तुम्हें तो बचना ही था ना। समाज की आवश्यकता जो बनकर आए हो तुम, प्रकृति कभी नहीं छीनने देती तुम्हें समाज से। अब चले वत्स, कहीं तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है। तुम्हें सकुशल अपने साथ लेकर चल पड़े सूर्यांशी त्रिनेत्रेश्वर अपने कर्तव्य की ओर। परंतु इतना सहज नहीं होता है एक पुरुष के लिए नवजात शिशु को संभालना। ये सामर्थ्य तो प्रकृति ने केवल ममतामयी माँ को ही दी है। कुछ ही घंटों में परेशान हो गए सूर्यांशी त्रिनेत्रेश्वर। क्या कर रहे हो वत्स? मुझे पूर्णतः भिंगो दिया तुमने। मेरे पास बदलने के लिए दूसरे वस्त्र भी नहीं है। अब तुम ये वस्त्रों को बार बार भिंगोगे तो भींगे वस्त्रों में ठंड लग जाएगी तुम्हें। अरे अरे, रुंदन नहीं, रुंदन नहीं बालक, रुंदन नहीं। मैंने तो यूं ही कह दिया। मुझे कोई कष्ट नहीं, कोई आपत्ति नहीं। तुम मुझे बार बार भिंगो सकते हो, परंतु बालक चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत। शायद इसे भूख लगी है। अच्छा, हम समझ गए। तुम्हें क्षुधा सता रही है ना वत्स? चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। इस सघन वन में मैं तुम्हें माता का दुग्धपान तो नहीं करा पाऊंगा, परंतु तुम्हें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। इस वन में एक दुग्ध बूटी मिलती है जिसके पत्तों का रस माता के दुग्ध के समान ही पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है। आओ आओ, चलो ढूंढते हैं उस दुग्ध बूटी को। हाँ, परंतु उस वन में कोई और भी था जो सुन रहा था शिशु के रुदन को। अंधेरा, अंधेरा। बच्चा, जंगल में बच्चा, दमराज ने जंगल में बच्चा भेजा। बच्चा, जंगल में बच्चा। अरे
अंधेरा कायम रहेगा। बच्चा, जंगल में बच्चा चलेगा बलि, बलि चलेगा, मेरी सिद्धि कायम होगी, मेरी सिद्धि पूर्ण होगी। बच्चा बलि चलेगा। नहीं 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 वत्स, शांत हो जाओ वत्स, शांत, अभी मिल जाएगी दुग्ध बूटी। ये लो, मिल गई दुग्ध बूटी। हाँ, तुम तनिक यहां विश्राम करो, हम अभी लेकर आते हैं दुग्ध बूटी को। सूर्यांश के साथ बच्चा, कहीं ये वही बच्चा तो नहीं जिसे मार देना चाहते थे तमराज किलवेश? अंधेरा, फिर तो अंधेरा मुझसे बहुत खुश होगा, इससे दो काम हो जाएंगे, एक तमराज की इच्छा और दूसरी मेरी सिद्धि, दोनों पूरी हो जाएंगी। अंधेरा, अब कुछ ही क्षणों में शांत हो जाएगी तुम्हारी क्षुधा। बालक, बालक कहाँ गए? बालक, कोई जंगली पशु तो नहीं ले गया ना बालक को? बालक, हे देव, ये कैसा अनर्थ हो गया मेरे हाथों से? अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा महागुरु को? कौन, आखिर कौन ले गया बालक को? अब मैं कहां ढूंढूं बालक को? लेकिन मुझे ढूंढना होगा बालक को।